आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए, जबकि 16 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून में 4, बागेश्वर रुद्रप्रयाग में 2-2, नैनीताल पिथौरागढ़ उधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जिले में 1-1 संकेत मिला। काबुल से अपने वतन लाए गए 329 भारतीय, अफगानी हिंदू सिख भी बचाए। तो अफगानिस्तान संकट के बीच अपने नागरिकों को निकालने के अभियान के तहत रविवार को 392 लोगों को तालिबान से बचाकर भारत लाया गया। 3 विमानों से पहुंचे इन यात्रियों में 329 भारतीय हैं। अन्य यात्रियों में भारतीय मूल के अफगान, हिंदू, सिख और नेपाली शामिल हैं, जिन्हें सुरक्षित बचाया गया है। दून के नशा मुक्ति केंद्र से भागे 12 युवक। तो थाना बसंत विहार के इंजीनियर एनक्लब स्थित जीवन परिवर्तन नशा मुक्ति केंद्र से 12 युवक खिड़की तोड़कर भाग गए। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। फरार युवकों में एक नाबालिग भी है। आज 2 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। तो कोविड टीकाकरण में आज प्रदेश में नया रिकॉर्ड बन जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने आज 2 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार व विभाग का विशेष जोर है। केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो रही है। इसे देखते हुए सोमवार को पूरे प्रदेश में 2 लाख लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मसूरी आ रहे डॉक्टर अशोक चक्रधर हादसे में घायल। तो देवबंद से फ्लाईओवर पर हुए सड़क हादसे में प्रख्यात कवि पद्मश्री डॉक्टर अशोक चक्रधर व उनकी पत्नी घायल हो गए। वह दिल्ली से मसूरी जा रहे थे। विधानसभा सत्र आज से हंगामेदार रहने के आसार। तो विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो जाएगा। 5 दिवसीय सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के पहले दिन दिग्वंत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। सत्र के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर विधायकों के बैठने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देवीधुरा में 8 मिनट चली रोमांचक बकवाल। तो माँ बराई देवीधुरा में रक्षाबंधन पर 4 खाम और 7 थोक के बीच प्रसिद्ध बकवाल खेली गई। करीब 8 मिनट तक चली फूलों, पत्थरों और ईंटों की बकवाल में 75 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों में रणबांकुरों के अलावा कुछ दर्शक और कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी भी शामिल रहे। ड्राइवरों का हक हड़पने के लिए वाहन मालिक आगे आ गए। तो यात्री वाहनों के मालिक ड्राइवर कंडक्टरों को सरकार की ओर से दी जा रही मदद हड़पने के लिए हथकंडे अपनाने लगे हैं। मदद के लिए ऑनलाइन आवेदन करते वक्त मालिक ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल, ड्राइवर की ओर से बैंक खाते की डिटेल खुद भर रहे हैं। दून RTO से अब तक 180 से अधिक से ज़्यादा आवेदन कर दिए गए हैं। तीसरी लहर की आशंका अब 9 के बराबर। तो कोरोना का कहर झेल रहे देश के लोगों के लिए रात भरी खबर है। कानपुर IIT के वरिष्ठ वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर मणिन अग्रवाल ने दावा किया है कि संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब 9 के बराबर है। इसकी मुख्य वजह बड़ी संख्या में टीकाकरण का होना है। महामारी को लेकर के नई स्टडी प्रोफेसर अग्रवाल ने गणितीय सूत्र मॉडल के आधार पर जारी किया है। इसके मुताबिक संक्रमण लगातार कम होगा। वहीं UP, बिहार, दिल्ली जैसे राज्य इससे लगभग मुक्ति की ओर हैं। मंत्री रेखा ने BSF जवानों को बांधी राखी। तो महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने रविवार को डोईवाला में BSF जवानों के बीच रक्षाबंधन का पर्व मनाया। राज्य में 5 महीने के बाद आज से खुलेंगे इंजीनियरिंग कॉलेज। तो UTO से संबंध सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आज सोमवार से विधिवत ऑफलाइन पठन पाठन शुरू हो जाएगा। सभी कॉलेज ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी देंगे। कपकोट से खबर है, ये घटघाट पुल का अपरमेंट टूटने से 20 गांवों पर संकट। तो पुलिया में घोड़ों की आवाजाही हुई बंद, पीठ पर सामान ले जाने को मजबूर हैं लोग। कैबिनेट बैठक के फैसलों पर शासनादेश जारी हो। तो अति शिक्षकों ने बीते 1 माह पहले अति शिक्षकों के सुरक्षित भविष्य को धामी कैबिनेट
में लिए गए फैसलों पर शासनादेश जारी नहीं होने पर रोष व्यक्त किया है। जल्द से जल्द फैसलों पर शासनादेश जारी करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। राज्य के 200 स्कूलों में रोजगार की पढ़ाई भी करेंगे छात्र, तो करीब 10 साल की लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में रोजगार की पढ़ाई का रास्ता खुल गया है। प्रदेश के 200 माध्यमिक स्कूलों में डिप्लोमा कोर्स की तर्ज पर रोजगार से जुड़े 8 अलग अलग विषय शुरू होने जा रहे हैं। 27 अगस्त को शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। राज्य में 26 तक भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने राज्य में 26 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य भर में अगले 4 दिन बारिश का दौर रहेगा। इस दौरान लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। नैनीताल दून से 5 दिनों तक दिखेगा स्पेस स्टेशन। तो नैनीताल और देहरादून से अगले 5 दिनों तक लगातार अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को देखा जा सकता है। छोटी खगोलीय दूरबीन के जरिए आम लोग पृथ्वी की कक्षा से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित इस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को देख पाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन देर रात नहीं बल्कि सुबह 4 से 5 बजे के मध्य देखा जा सकेगा। तो गैरसैंण की जगह कहीं और बनेगा भाषा संस्थान का मुख्यालय। तो भाषा मंत्री ने कहा प्रबंध कार्यकारिणी और आम सभा की बैठक में होगा निर्णय। आर्थिक सहायता के लिए 5 सितंबर तक आवेदन। तो सार्वजनिक वाहनों के ड्राइवर कंडक्टर और क्लीनरों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने बनाई रणनीति। तो विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। इसके तहत सदन में बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं में खामियां, देवाश्रम बोर्ड, किसान भू कानून जैसे मुद्दों को उठाकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। वंदना ने 70 बच्चों को दी हॉकी। तो भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने 8 साल बाद भाइयों को बांधी राखी। प्रदेश में 48% महिलाओं को लगे टीके। तो उत्तराखंड में कोविड वैक्सीन लगाने को लेकर झिझक दूर हो रही है, लोग जमकर टीके लगवा रहे हैं। खास बात यह है कि टीकाकरण में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। उत्तराखंड में कोरोना का स्पुतनिक वी टीका लगना शुरू। तो राज्य में कोरोना रूसी टीका स्पुतनिक वी लगना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलाकोई रोड स्थित ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस धूल कोड माफी में स्पुतनिक वी टीका का शुभारंभ किया। वही खबर यह देहरादून के रायपुर से जमीन के नाम पर 4 लाख रुपए हड़पे, रिपोर्ट दर्ज की गई। इस्पा सेंटरों की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, संचालकों सहित 16 गिरफ्तार। तो देहरादून के राजपुर से खबर आई है। राजपुर रोड पर स्पा सेंटरों की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए पुलिस और एंटी ट्रैफिकिंग ने 2 स्पा सेंटरों संचालकों, कर्मचारियों सहित 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। आज से रूट देखकर ही निकले। तो विधानसभा सत्र के दौरान बदले रहेंगे शहर के कई यातायात रूट। तो विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। इसके साथ ही सत्र के दौरान शहर का यातायात प्लान भी बदला रहेगा। इस दौरान व्यक्तिगत वाहनों को विशेष परिस्थितियों में ही डाइवर्ट किया जाएगा। दूसरे दिन भी नहीं चली लाहौरी एक्सप्रेस। तो नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब के किसानों द्वारा फिरोजपुर रेल मंडल के जालंधर चिरेहू स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक बाधित किए जाने के कारण रेलवे बोर्ड ने देहरादून, अमृतसर, लाहौरी सहित विभिन्न स्थानों से संचालित 48 ट्रेनों का संचालन दूसरे दिन भी रद्द कर दिया। जल प्रलय से आगाह करेंगे वाटर लेवल रिकॉर्डर। तो उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर के टूटने, भूस्खलन से बनने वाले झीलों की मॉनिटरिंग के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की ओर से ग्लेशियर के नीचे नदियों में वाटर लेवल रिकॉर्डर लगाए जाएंगे। शादी के नाम पर 2 से ठगे हजारों।
तो दून में साइबर ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई साइबर ठगी का शिकार हो रहा है। रविवार को भी दून में साइबर ठगी के 4 मामले सामने आए, जिसमें 2 लोगों को शादी.com के जरिए शादी का झांसा देकर खुद को विदेशी बताते हुए अपने खाते में रकम डलवाई गई। पुलिस ने सभी मामलों में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में जमकर हुई बारिश। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में पिछले 1 सप्ताह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिना अनुमति आम आदमी पार्टी के पोस्टर लगाने पर 3 गिरफ्तार। तो नगर पालिका मसूरी और ऊर्जा निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। वही खबर है, देहरादून से होटल के पास पुल के नीचे मृत मिला युवक। तो नेहरू कॉलोनी के हरिद्वार बाईपास सोल्टियर होटल के पास पुल के नीचे एक युवक मृत हालत में पड़ा मिला। मृतक की आंख में चोट है, फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस शिनाख्त की कोशिश कर रही है। ऋषिकेश से खबर आई है, आज जले शव की नहीं हुई शिनाख्त। तो बीती 29 अगस्त को थाना रायवाला के हरिपुर कला फ्लाईओवर के नीचे मिले अधजले शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। स्मैक के साथ तस्कर लक्सर से गिरफ्तार। तो एसटीएफ ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तेंदुओं की गणना नए सिरे से शुरू। तो राज्य के मध्य और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में तेंदुए की गणना की जा सके, इसके लिए नए सिरे से कवायद शुरू कर दी गई है। बेरोजगार फार्मासिस्टों ने किया स्वास्थ्य मंत्री आवास कूच। तो नियुक्ति की मांग को लेकर के 6 दिन से आंदोलन कर रहे प्रशिक्षित बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्ट महासंघ से जुड़े फार्मासिस्ट ने रविवार को स्वास्थ्य मंत्री के आवास के लिए कूच किया। एमपीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पद रिक्त। तो मसूर से खबर आई है, एमपीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 13 पद रिक्त होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पीसीएस अफसर बनने के राह में गणित का रोड़ा। तो उत्तराखंड में बीए पास लाखों युवाओं के सपने पर पीसीएस परीक्षा का पैटर्न भारी साबित हो रहा है। अब तक प्रदेश में 5 पीसीएस परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें से पीसीएस 2016 परीक्षा में यह बात खुलकर सामने आई है। अब युवा गणित का पेपर हटाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल देहरादून निवासी युवक ने आरटीई के तहत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से पीसीएस 2016 में चुने गए युवाओं की योग्यता की जानकारी मांगी। जानकारी चौंकाने वाली है, पीसीएस मुख्य परीक्षा में कुल 190 युवाओं ने मुख्य परीक्षा का पड़ाव पार किया। इनमें से 173 युवा ऐसे हैं जो कि बीटेक बीई या बीएससी यानी मैथ बैकग्राउंड वाले हैं। केवल 17 युवा ही ऐसे थे जो बीए पास थे। इसके बाद जब अंतिम चयन परिणाम आया तो प्रदेश में 57 पीसीएस अधिकारी चुने गए, जिसमें से केवल 5 ही बीए वाले थे, बाकी 52 इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड वाले थे। सालों से पीसीएस की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस का पैटर्न जो है उसमें गणित का 7वां पेपर काफ़ी मुश्किल है। उनका कहना है कि इस पेपर की वजह से पीसीएस बनने का सपना बीए पास युवाओं के हाथ से निकल रहा है। यह है उत्तराखंड में पीसीएस का पैटर्न। तो पीसीएस प्री परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का है, जिसमें 150 अंकों के 150 सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का है, जिसमें 150 अंकों के 100 सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर क्वालिफाइंग है, इसमें हर उम्मीदवार को 33% अंक लाने होते हैं। पीसीएस मुख्य परीक्षा में कुल 7 पेपर होते हैं। पहला पेपर लैंग्वेज का होता है, दूसरा पेपर भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन एवं संस्कृति का है, तीसरा पेपर भारतीय राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है, चौथा पेपर भारत एवं विश्व का भूगोल है, पांचवा पेपर आर्थिक एवं सामाजिक विकास का है, छठा पेपर सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है, और 7वां पेपर सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र का है। इसमें भाषा के पेपर में सभी को कम से कम 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। 7वें पेपर में गणित के सवाल पूछे जाते हैं, जिससे उम्मीदवार हटाने की मांग कर रहे हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की रिक्तियां। तो बीएसएफ में 269 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तारीख नज़दीक, जल्द करें आवेदन। तो हेड कांस्टेबल के 787 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट सहित कई पदों पर अवसर। तो 329 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 6 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जूनियर सहायक के कई पद रिक्त।
तो 73 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अपनों से मिलकर फपक पड़े अफगानिस्तान से लौटे दूनवासी, तो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से छूटकर कजाकिस्तान होकर रविवार रात लौटे 16 दूनवासी। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की, तो सबके साथ तहसील पर प्रदर्शन। तो राजकीय इंटर कॉलेज कीर्तिनगर में मारपीट में मारे गए छात्र के शव के साथ ग्रामीणों ने करीब ढाई घंटे तक तहसील कार्यालय को घेरे रखा। SDM कीर्तिनगर अजय वीर सिंह ने बताया कि मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी ने स्कूल के प्रधानाचार्य और व्यायाम शिक्षक के निलंबन की संस्तुति दे दी है, जबकि जिलाधिकारी टिहरी ने मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दिए हैं। पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ग्रामीण मान गए और शव लेकर लौट गए। वही खबर है, सतपोली से घरतोली में महिला पर झपटा गुलदार। तो पोखड़ा ब्लॉक के घरतोली गांव में आंगन में महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। महिला के शोर मचाने पर गुलदार भागे, गनीमत रही कि महिला को चोटें नहीं आई। बद्रीनाथ हाईवे पर बाइक दुर्घटनाग्रस्त, दो युवक घायल। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोबगड़ के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक कर्मचारी संगठन 25 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। मलारी हाईवे पर थमा भूस्खलन। तो BRO ने शुरू किया हाईवे खोलने का काम, 50 ग्रामीणों की पैदल कराई आवाजाही। चीनुक से की जा रही सैन्य जरूरतों की आपूर्ति। तो मलारी हाईवे बंद होने से चीन सीमा पर मुस्तैद सेना के जवानों की आवाजाही और जरूरी सामग्री की सप्लाई चीनुक के माध्यम से की जा रही है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो जिले में आज 54,000 लोगों को टीकाकरण लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं खबर है, हरिद्वार से जेल में रंगदारी मांगने पर 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो जेल में विचाराधीन बंदी ने भाई से दिलवाई 6 लाख रुपए। बहनों के लिए रोपे बस ऑटो रहा फ्री। तो आखिरकार करीब 4 महीने बाद मनसा देवी रोपे का संचालन शुरू हो गया। रोपे चलने से यात्रियों के साथ इस क्षेत्र के व्यापारियों को राहत मिली। रक्षाबंधन के पर्व पर उषा बैकरो ने मनसा देवी और चंडी देवी रोपे से यात्रा करने वाली महिलाओं से कोई पैसा नहीं लिया। बसों में मारा मारे रोडवेज की 40 लाख की कमाई हुई। आत्महत्या करने जा रहे युवक को पुलिस ने बचाया। तो हैदराबाद के एक युवक के होटल में सुसाइड करने की कोशिश की सूचना पर पुलिस ने उसकी काउंसलिंग कराई। युवक ने अपने परिजनों को सुसाइड करने की जानकारी दी। दो पक्षों के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज। तो जमीन खरीदने और बेचने की रकम के मामले में हुई मारपीट। वही खबर, हरिद्वार से भेलकर्मी पर रॉड से जानलेवा हमला। तो ड्यूटी के दौरान सहकर्मी से हुआ विवाद, हायर सेंटर रेफर। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वही खबर है, हरिद्वार से युवक के साथ मारपीट और गाली गलौज। हरिद्वार से खबर है, पर्स छीनकर भाग रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया है। भाजपा के साथ छोड़ महिलाओं ने थामा कांग्रेस पार्टी का हाथ। बढ़ती महंगाई के कारण भाजपा से जनता का मोह भंग। तो आर्यनगर की दर्जन महिलाओं ने कांग्रेस में शामिल हो गई। भूपतवाला स्थित श्री राधा कृष्ण धाम में पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मगिरी, महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष मंजू मिश्रा, राज्य महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष संतोष चौहान ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल महिलाओं को सदस्यता दिलाई। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो बसों की कमी से त्यौहार पर घर पहुंचने में बहाना पड़ा पसीना। तो हल्द्वानी डिपो ने 7 अतिरिक्त बसें चलाई। वही खबर है, हल्द्वानी से चाइनीज मांझा बेचने पर 3 दुकानदारों का चालान किया गया। उपनल कर्मी आज हड़ताल पर। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्यरत उपनल कर्मी अपनी मांग को लेकर के सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे। नैनीताल भवाली सड़क पर दरार, कहीं गिरे बोल्डर। तो लगातार बारिश के चलते नैनीताल भवाली सड़क पर
लगभग 20 मीटर हिस्से में दरार आ गई है। BSNL में आज से शुरू होगी नई स्कीम, तो त्यौहार के मौके पर अग्रणी संचार कंपनी BSNL ग्राहकों के लिए कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है। इसमें इंटरनेट डाटा के से लेकर अतिरिक्त वैलिडिटी भी उपभोक्ताओं को मिल रही है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो 8 मिनट तक खेली गई देवीधुरा में बग्वाल, 77 बग्वाली चोटिल हुए। रक्षाबंधन पर सभी मांगे पूरी करने का उपहार मांगा, तो आशा कार्यकर्ताओं ने किया बेमियादी प्रदर्शन। आस्था के आगे कोरोना नियम धराशाही, तो न संख्या का पालन हुआ न भीड़ रोकने के थे पुख्ता इंतजाम। तो कोरोना काल में ये दूसरी बग्वाल थी, 3 अगस्त 2020 के बाद इस साल रविवार को हुई बग्वाल भी सांकेतिक रूप से होनी थी। काफ़ी हद तक बग्वाल खेलने में संयम बरता गया, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था कोविड नियमों पर भारी पड़ी। वही खबर है वनवासा पिथौरागढ़ से, तेंदुए के हमले में बचा युवक, तो बनपुरी में शनिवार रात 9 बजे एक तेंदुआ आबादी में पहुंच गया। ग्राम प्रधान भावना नेगी ने बताया कि तेंदुए ने रेशमा प्रकाश के घर में घुसकर उनके नाती मणि पर हमला करने का प्रयास किया। शोर मचाने पर तेंदुआ भाग गया। वही खबर है बागेश्वर से, बारिश से ट्रैकिंग रूट पर बना पैदल पुल खतरे की जद में आ गया है। तो पिंडारी ग्लेशियर ट्रैकिंग रूट पर बने इस पुल की दीवारों के समीप तक भूस्खलन हो गया है। वही खबर है अल्मोड़ा से, स्विफ्ट डिजायर दुर्घटनाग्रस्त, 4 यात्री घायल। तो चिमटा हरणा मोटर मार्ग पर पैथोड़िया तल्ला सड़क के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार रविवार को साय के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भोनखाल से प्राथमिक उपचार के बाद रामनगर रेफर कर दिया गया है। शासनादेश जारी नहीं होने से अतिथि शिक्षक नाराज, तो जुलाई माह में प्रदेश कैबिनेट में अतिथि शिक्षक के हित में लिए गए फैसले के बाद भी अब तक शासनादेश जारी न होने पर अतिथि शिक्षकों ने कड़ी नाराजगी जताई है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो छुट्टी पर कर्मचारी सीट के लिए मारामारी, तो रक्षाबंधन पर भीड़ के बावजूद रोडवेज के 25% कर्मचारी अवकाश पर रहे। 38 शैक्षिक संस्थानों की जांच हुई पूरी, 34 को भेजा नोटिस। तो छात्रवृत्ति घोटाला, रिकॉर्ड न मिलने पर SIT ने की नोटिस की कार्रवाई। जंगल से बाहर नहीं जा सकेंगे वन्य जीव, तो तराई पूर्वी वन प्रभाग के रनशाली वन क्षेत्र में लगेगा सोलर फेसिंग सिस्टम। कर्ज से परेशान फैक्ट्री मालिक ने की खुदकुशी, तो ग्राम सीतापुर में बंद पड़ी फैक्ट्री के मालिक ने खुदकुशी कर ली, उसका शव फैक्ट्री में एंगल से लटका मिला।